बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युवराज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक और न्यू जॉब की अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 4G फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जॉब्स आई हैं। जॉब की लास्ट डेट है जी 31 अगस्त 2024। इसकी एडवर्टाइज मैं दिखा दूँगा आपको और क्राइटेरिया भी बता दूँगा। यहाँ पर टीचर्स हैं जी, सीनियर टीचर्स हैं और जूनियर टीचर्स हैं। यहाँ टीचर्स क्या कह रहे हैं जी, यहाँ कंप्यूटर वाले, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, लाइब्रेरी एंड DPE, ये सारे सीनियर्स थे। और इसी के साथ के जो उनसे जूनियर्स भी हैं नीचे, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। लैब असिस्टेंट है यहाँ पर, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट है, जूनियर टीचर्स ये आप आगे जूनियर टीचर जो मैंने आपको पहले बताए हैं कंप्यूटर केमिस्ट्री वगैरह के, तो ये आप ये नीचे देख लें, ठीक है? सेम है, जैसे जूनियर है वैसे ही सीनियर है यहाँ पर। तो इनके लिए अप्लाई करना है आपने कि क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के लिए आपको चाहिए ये 4G फाउंडेशन एजुकेशन के लिए, ये सीनियर टीचर्स हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि उनकी एज इतनी होनी चाहिए, 28 से 44 साल होनी चाहिए, और ये उनके पास डिग्रीज होनी चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जूनियर टीचर के लिए मैंने बताया यहाँ पर 23 से 44 साल उम्र होनी चाहिए जूनियर टीचर्स की, और इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी डिवीज़न होनी चाहिए, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऊपर जो जूनियर टीचर थे वो साइंस के थे, ये आर्ट्स के लिए, ये आर्ट्स के ये क्वालिफिकेशन और ये क्राइटेरिया है। अब लैब अटेंडेंट के लिए ये क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है, इन्होंने ये रीड आउट करने सॉरी गला ख़राब है। और सैलरी पैकेज कह रहे हैं हैंडसम सैलरी पैकेज होगा बेस ऑफ एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपका उतना आपका पैकेज अच्छा लगेगा सैलरी का। अप्लाई करने के लिए NTS पे जाएंगे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर, और वन लिंक के ज़रिए आपने वन लिंक हो गया, उसके अलावा जैज कैश, इजी पैसा, कैश, PCS, इसके ज़रिए आपने इनका चलान भरना है। लास्ट डेट 31 अगस्त है, और अपनी एप्लीकेशन जिनसे ना जो आपने अप्लाई किया होगा वो और अपने डॉक्यूमेंट्स इनके पते पे आपने भेज देने हैं। ये इनका पता है, ये पता है इनका, ठीक है? यहाँ से 4G फाउंडेशन प्रोजेक्ट प्लाट 96 स्ट्रीट 4 सेक्टर 8H1 इस्लामाबाद के अंदर आपने भेज देना, ठीक है? चलो अब आपको बताते हैं अप्लाई किस तरह करना है। किसी के भी जो आपने अप्लाई करना होगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसे आपने क्लिक करना है। तो ओपन हो रही है साइट, जैसे ही ओपन होती है दिखाता हूँ मैं सॉरी अगर आपको अप्लाई नहीं करना आता तो आदिल सर से आप रब्ता करें, उनका व्हाट्सअप नंबर वीडियोस में मौजूद है, उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके व्हाट्सएप पे ले लेंगे और आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और तरीक़ाकार मुकम्मल डिटेल बता देंगे मज़ीद। तो ये ओपन हो रहा है, जैसे ही ओपन होता है मैं मज़ीद गाइड करता हूँ आपको। तो ये ओपन हो रहा है, चले इजाज़त देना फिर आप जॉब इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, नीचे वीडियोस देखें, इनमें डेट्स मौजूद है, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ईमेल लिखेंगे, ईमेल लिखने के बाद आपने पासवर्ड लिखना है, साइनअप कर देना है, फिर आपने लॉगिन करना है अकाउंट को। लॉगिन करने के बाद आपसे पर्सनल डिटेल, एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी डिटेल मिलेगी, फिर उसके बाद चलान निकलेगा आपका, वो चलान आपने भरना है। चलान भरने के साथ ही आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स इस पते पर भेज देने। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।